क्या है सदाबहार अभिनेत्री रेखा के सिंदूर का राज। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। वेल दोस्तों, सालों से एक राज राज ही बना हुआ है और आज भी राज ही है, लेकिन आज हम इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन खबरों के आधार पर ही हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो कि सदाबहार अभिनेत्री रेखा से जुड़ी हुई हैं। किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं रेखा? रेखा के दोनों पति विनोद और साथ ही साथ मुकेश इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फिर भी आखिरकार क्यों रेखा की मान में सिंदूर देखा जाता है? आइए दिखाते हैं आपको। सदाबहार अभिनेत्री रेखा वो नाम है जो अपने आप में कई सारे रहस्य समेटे हुए हैं। सदाबहार अभिनेत्री रेखा ने अपने फिल्मी करियर बाल कलाकार के रूप में यानी कि चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में शुरू किया था। रेखा ने अपने 40 साल के करियर में करीब करीब 180 फिल्मों में काम किया। उन्होंने खुद को प्रमुख महिला किरदार के रूप में भी पेश किया। फिल्मी करियर में काफी उतार चढ़ाव देख चुकी रेखा की जिंदगी कंट्रोवर्सी से भरी रही है। रेखा उन अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्हें राजनीति में आने के बाद भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आज हम आपको इस दिलकश एक्ट्रेस की जिंदगी के बारे में एक रहस्य बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। रेखा की जिंदगी का रहस्य है उनके माथे का सिंदूर। रेखा अपने पति विनोद मेहरा और मुकेश अग्रवाल के जाने के बाद भी सिंदूर लगाती हैं, जो आज तक भी राज बना हुआ है कि आखिरकार जब दोनों पति हैं ही नहीं तो रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं। तो वही खबरों की और कुछ लोगों की मानी जाए तो सिंदूर अमिताभ के नाम का है, तो कुछ उसे संजय दत्त का नाम भी देने लग जाते हैं। रेखा आज भी बॉलीवुड की ग्रेसफुल एक्ट्रेस कही जाती हैं और एक मानी जाती हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द कई ऐसे अजीब रहस्य हैं जिनसे पर्दा नहीं उठा है, वो वाकई सबको हैरान करता है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सबसे पहले रेखा की मांग में सिंदूर तब देखा गया था जब ऋषि कपूर की शादी में रेखा पहुंची थी। वहां पर जब रेखा की मांग में सिंदूर देखा गया तो रेखा के सिंदूर के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो शूटिंग पर थी और जल्दी जल्दी में वहां पर पहुंच गई यानी कि ऋषि की शादी में। तो वहीं उसी दौरान सबसे ज्यादा खबरें ये उड़ने लग गई थी कि अमिताभ बच्चन के नाम का रेखा सिंदूर लगाती है। हालांकि इन खबरों पर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं है। दोस्तों, आपने जाना कि कैसे सदाबहार अभिनेत्री रेखा को लेकर दो एक्टर्स का नाम हमेशा से लाइमलाइट में रहा है। एक तो अमित जी यानी कि अमिताभ बच्चन और साथ ही संजू बाबा यानी कि संजय दत्त। ये दोनों नाम रेखा के सिंदूर से हमेशा जोड़े गए हैं क्योंकि दोनों के साथ ही रेखा की कुछ ऐसी खबरें रही हैं जो कि हमेशा से ही वायरल रही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।